तो सर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय और अपना फार्म कहाँ पर है ये थोड़ा सा बताइए। मैं सर लालाराम जाट और या चौमू से बिलोंग करता हूँ। चौमू तहसील में एक छोटा सा गांव है सिंगोद खुर्द। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जयपुर, और हम राजस्थान से बात कर रहे हैं। जी जी। तो पेशे से मैं वेटनरी का काम करता हूँ एज ए कंपाउंडर। यहाँ लोकल एरिया में मेरी प्रैक्टिस है और साथ में थोड़ा सा ये गोट्स के बारे में थोड़ी जानकारी और थोड़ा सा इनके प्रति लगाव था, तो थोड़ा सा मैंने भी शुरू किया था। जैसे आपने मैंने कुछ वीडियोस मैंने आपके आज से 4-5 महीने पहले शूट किए थे। अभी क्या अपडेट है वो थोड़ा सा हम देखेंगे, और जो हमारे दर्शकों को आप जो भी एक भाई संदेश देना चाहें हम वो जानना चाहेंगे बकरी पालन से संबंधित। तो सबसे पहले तो अपडेट के ही बारे में बात करते हैं। अभी क्या चेंजेस किए हैं सर? अभी आपने ये अरीसी, ये कुछ एक जानवर लिए थे मैंने, जैसे ये फीमेल देख रहे हैं आप। जी, ये फीमेल अभी हाल ही में ली थी मैंने। ये जो पुरानी जो ब्लड लाइन है, अच्छा, उसमें है, और ये थर्ड टाइमर है अभी, और इसके नीचे 2 मेल है। अच्छा, बढ़िया ब्लड लाइन की है और बढ़िया दूध लाइन की, और वैसे अच्छी है बकरी है। क्या इसकी मिल्किंग कैपेसिटी? मिल्किंग सर होगा करीबन 3 लीटर के आसपास। 3 लीटर के आसपास। जी, और बच्चे कितने लेके आए थे? बच्चे 2 हैं इसके मेल अभी, 2 मेल। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। दूसरी ये है, इसी के साथ लगी हुई है। और ये कितने ब्याद पे है? ये ब्याद पे शायद 6 या 7 बार इसने बच्चे दिए। अच्छा, अगले ने बताया था मेरे को। और बाकी अभी इसके ये इसने 3 बच्चे दिए थे इस ब्याद में, 2 मेल और 1 फीमेल। अच्छा। और दूध की कैपेसिटी उससे अच्छी है इसकी, इससे भी अच्छी है। हाँ, उससे अच्छी है। मतलब अगर ये 3 पे है तो ये उससे प्लस ही है। हाँ, प्लस है। जैसे आप देख रहे हैं ये बॉडी जो बकरी तोड़ रही है ना, वो आप ये मानो मिल्किंग की कैपेसिटी अच्छी है उसमें। ये बच्चा आगे पकड़ रही है, बहुत अच्छा। और इसके अलावा एक ये बहुत ही रेयर, जो अभी शायद अभी तो लुप्त हो चुकी है ये चीज़ें, एक ये है। हाँ हाँ, मतलब हाइट थोड़ी सी आगे ले आई। हाँ, हाइट थोड़ी कम है, हाइट थोड़ी कम रहती है, पर इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर हम्प बनाना, वो 60 डिग्री एंगल जो अपन लेते ये हैं, जो सिरोई का जो अपन डेफिनेशन करते हैं ना सिरोई की, वो पूरी करती है ये पुराने ब्लड लाइन से। ये बुआड़ से निकली हुई है ये तीनों बकरियाँ। अच्छा, जो अभी अपन इनके बारे में जान रहे हैं ना, ये बुआड़ से निकली हुई है। अच्छा, भोवाल अजमेर। हाँ, अजमेर से। वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो गढ़ है और ये सिरोही का, जैसे और जो पुरानी ब्लड लाइन की बकरियाँ सर वहाँ पे लोग पालते हैं। 7-8 साल पहले ये पहले का DNA, ये पहले से 7-8 साल पहले बकरियाँ ली हुई थी। जी जी, उन बकरियों में से है ये, उन बकरियों में से है। बहुत अच्छा। और ये अभी इसके नीचे एक बच्चा है, ये आप देख सकते हैं पैटर्न इसी का है, ये बहुत बढ़िया, इसी का बच्चा है, बहुत शानदार है सर। ये देखिए, ब्रीडर लाइन का बकरा है ये, बहुत बढ़िया। ये अभी 7 तारीख को 2 महीने का हो गया। 7 तारीख को 2 ही महीने का? 2 महीने का हुआ। लोगों को यकीन नहीं होगा, बोलेंगे कि यार ये 2 महीने का तो नहीं है, पर जो जिस तरीके से इसका इसकी ग्रोथ है वो बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ के ज़्यादा नहीं है ये, तो थोड़ा सा ये था, लगाव था, तो देखते हैं भाई चीज़ें। पहले कुछ एक बकरियां थी मेरे पास आउट ऑफ कैटेगरी बकरियां, वो भी जैसे गुजरी में पैटर्न रखती थी, जैसे क्रॉस ब्रीड था, तो वो 1-2 बकरी मैंने निकाल दी, ये 1-2 ऐड कर ली बाकी। और जो पुराना अपना है ही, ये पुरानी है, जैसे ये फीमेल अभी ये बड़ी हो गई है, ये दोनों सिस्टर है, दोनों बच्चियाँ थी उस टाइम पे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी ये। हाँ हाँ, ये देखो आप, बहुत बढ़िया। थोड़ा और इसे धूप में लेकर आइए, कलर खिलेगा। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इस वीडियो में, आपने इनके बाल काट रखे हैं है ना? हाँ हाँ, उसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा बताइए, क्या फ़ायदे होते हैं? फ़ायदा तो ये है कि जैसे एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स है, जू चीचड़ वगैरह, वो आउट हो जाते हैं, बाकी थोड़ा साइनिंग भी अच्छी आ जाती है जानवर में। अच्छा, मेनली तो यही है कि एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, और ये गर्मियों का टाइम है तो थोड़ा जानवर भी रिलीफ कर लेता है। जैसे ये बकरी सामने खड़ी सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये भी ये
इसी में है, सिरोही में ही है। और ये फर्स्ट बार इसने बच्चा दिया था। अच्छा। बच्चा भी हो रहा है इसका, इधर ले गया रहा बच्चा ये। और ये 4 महीने के आसपास लोडेड है, 4 महीने के अभी लोडेड है। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये इसका, ये इसी का बच्चा है। तो ये कौन से टाइम पे अभी क्रॉस हुई है? सेकंड टाइमर, सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइमर का इसी का बच्चा है। फर्स्ट टाइम में एक ही बच्चा लेकर आए थे। हाँ, एक ही बच्चा था ये। बहुत बढ़िया। ये अभी तो क्या, जब मेटिंग सीजन चल रहा है इनका, जैसे ब्रीडर मैंने अभी छोड़ा था। ये बच्चा अभी कितने उम्र पे है सर? ये सर शायद मेरे हिसाब 5.5-6 महीने के आसपास होगा। 5.5-6 महीने हो गए, जनवरी में पैदा हुआ मतलब इसका। हाँ, है ना। एक्यूरेट जैसे इसकी वीडियो वगैरह बनाई हुई है जब भी ये डिलीवर हुआ था। अच्छा, एक्यूरेट तो डेट तो मैं बता दूँ, मेरे को याद तो नहीं अच्छे से। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मदर डायरेक्ट थी। हाँ, फादर, ये फादर देखो अभी जैसे अपन दिखाएंगे ना, वो अभी आपको ब्रीडर दिखाऊंगा मैं। ये मेरे उसी ब्रीडर का है। और जो अभी आपने वो फीमेल देखी है अभी, वो डोट वाली, ये दो फर्स्ट टाइम पर, ये भी उसी की है। ये भी उसी की, उसी की। तो उसने बहुत अल्टीमेट रिजल्ट दिया है मेरे को। तो छोटे किसानों के लिए, जैसे जो 10-15-20 बकरियों के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये बढ़िया मॉडल है, बढ़िया मॉडल है। कि क्योंकि आप जो है वो बकरी बस नहीं करते हैं, आपने भैंस का भी काम कर रखा है, डेयरी का भी काम है, थोड़ा सा शौकीय तौर पर आप घोड़े भी रखते हैं। ये क्या, ये बकरियों की देन तो माने, तो जैसे अब ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, ये आपकी देन ही है। नहीं, आपके वीडियो देखे कई बार किसानों से, आप गए वहाँ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो गया। अच्छा, और इस बेल्ट में मैं देख रहा हूँ कि हर घर में बकरी। हाँ, और पहले तो हरीसी पहले कम था, अब बढ़िया है। पहले थोड़ा कम था। इस बेल्ट में भी पानी की शिकायत देखने मिल रही है अपन को, है ना। हाँ, पानी अब कम हो गया है, तो ये चीज़ें ग्रोथ करेंगी अब। बकरी पालन हो गया और बगीचे लगाना हो गया, ये काम थोड़ा इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक्स्ट्रा हो जाता है फिर। चलिए अपन इनका जो आपका ये, ये भी देखो, ये उसी की है। ये बच्ची भी। हाँ, ये उसी ब्रीडर की है। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया। जैसे एक बच्ची तो ये हो गई, एक बच्ची ये हो गई, और एक वो हो गई, एक दो और ये तीन, और एक वो मेल। चार ही लिए थे आपने से पहले? ये उसके रिजल्ट है, उस ब्रीडर के रिजल्ट। हाँ, बाकी ये बच्चा है, ये तो इसी के नीचे आया था। अपन देख रहे हैं, इसका भी फादर बहुत अच्छा है। चलिए अपन ब्रीडर की तरफ चलते हैं, और फिर थोड़ा सा आप किस तरीके से रखते हैं सर, ये भी थोड़ा सा बताइए। ब्रीडर को आपने काफी दूर बांध रखा है। दूर तो ये है कि जैसे अपन बात कर रहे थे ना, ये ब्रीडिंग सीजन है अभी, तो अभी जैसे अपन वीडियो बना रहे थे, थोड़ा परेशान करेगा, तो उस हिसाब से मैंने उधर बंधवा दिया था। और ये कि अभी ये खेजड़ी की टहनियाँ काट दी थी, तो ये थोड़ा सा ये है कि अपन थोड़ा खुले में कर लेते हैं, तो थोड़ा ये है। इस ब्रीडर का जैसे मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, तो ये मेरे पड़ोस में ही है, कोई गुरुजी थे, तीन जने थे वो, तो उन्होंने कंबाइंड में एक फार्म चालू किया था। अच्छा। बढ़िया फार्म। तो वो लोग अजमेर से बकरियां लेके आए थे। हाँ। तो उन बकरियों के साथ ये 8 महीने का था, बच्चा था तभी। हाँ, ये बच्चा था, ये ब्रीडर के लिए लेके आए थे वो, काफी मशक्कत करके लेके आए थे वो इसको। बहुत बढ़िया। तो ये फिर करीबन 6-7 महीने उनके पास रहा, और उसके बाद में ये मैंने परचेज कर लिया था। उसके बाद बीच में ये थोड़ा सा मेरे हाथ से भी निकल गया था, तो उसके बाद ये 2-3 जनों के पास रहा बीच में, और ये अब सहयोग से ये मेरे को वापस मिल गया। क्या डिटेल है सर इसकी? ये सर जैसे करीबन 3 ईयर से अबव है अब, और बॉडी वेट होगा मेरे हिसाब से 75-80 kg के आसपास। बाकी आप ये देखो, स्ट्रक्चर हल्का सा थोड़ा छोटा होगा, बाकी इसने बच्चे बहुत जोरदार दिए हैं। बच्चों पर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत बढ़िया। कलर डार्क है, कलर डार्क। ये जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये पैचेज, ये थोड़े इसमें कम होंगे ये डॉट, बाकी बच्चों में इसने दिया ना, बच्चा अपन ने देखा ना अभी गोल्डन। हाँ, बच्चा जो देखा, बच्चों में बढ़िया दिया है इसने। ये अब थोड़ा सा अग्रेसिव है, क्योंकि अभी ये मेटिंग सीजन चल रहा है ना, उस वजह से थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है। तो ये आपका एक छोटा सा फार्म है ना? हाँ, ये जैसे जोगाड़ पत्ती जिसको बोलते हैं, उसी से बनाया हुआ है। ज्यादा इसमें निवेश भी नहीं किया हमने। और नए लोगों को उतना ज्यादा निवेश करना भी नहीं चाहिए।
हाँ भाई, आप टेम्परेरी रूम में सेट पे ज़्यादा खर्च नहीं करें, ये बेहतर रहेगा। आप कम से शुरू कर रहे हैं तो बकरियों पे ज़्यादा फोकस, बकरियों पे आप जितना निवेश आप बकरियों पे करेंगे वही थोड़ा फायदेमंद रहेगा जी। अभी ये बकरियाँ सारी टहल कर आ गई हैं, तो चलिए आपको अंदर से भी दिखाते हैं, है ना। और फिर जो कुछ प्रॉफिटेबल की मैं बात अगर बात करूं कि सर, अभी अगर हम बात करें बकरी पालन की, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है इस टाइम पर, जैसे फीड भी महंगा है, सीड भी महंगा है इसका, तो अभी उन नए आने वाले किसान दोस्तों के लिए आपका क्या संदेश है कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे काम करें, या शुरुआत ही कर रहे हैं तो कैसे वो शुरुआत करें? इसमें ये है ऋषि, जैसे एक तो जो सबसे पहले तो मेरा तो ये मानना है, जैसे कोई अगर बंदा शुरुआत कर रहा है तो वो जो अपने जो लोकल ब्रीड है पहले उस पर काम कर ले एक बार। अच्छा, फिर उसमें अगर वो केयरनेस या जो उसको संभालना उसको आ गया तो बाकी चीज़ें भी वो क्लियर कर लेगा आसानी से। फिर आसानी से रही बात फीडिंग की, तो फीडिंग की तो एरिया जो जिस हिसाब के एरिए हैं वहाँ लोकल में जो मिलता है वही फीड में है। आप जैसे अगर बाहर से बकरी लेके आ रहे हैं तो उसका जो खाने की व्यवस्था है वो बाहर से कितने दिन कर पाएंगे आप, तो चीज़ें तो लोकल में जो मिलती हैं वही हो। और लोकल में क्या ये तो जैसे डेजर्ट ये क्या फॉरेस्टर एनिमल्स है, तो ये जैसे ये पत्तियाँ वगैरह है जो भी पेड़ वगैरह के वो ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी सूखे चारे जिनमें प्रोटीन वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे इसमें जैसे ये आ गया मूंगफली का चारा, बहुत बढ़िया तरीके से खाते हैं। इसके अलावा जो हरी पत्ती होती है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से खाते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटीन के जो एक्स्ट्रा सोर्स है, जैसे ये चने का चारा है और जैसे मेथी का चारा है, तो ये भी आप 1/3 तक ये भी उन चारों में मिला सकते हैं। बिल्कुल, तो फीड का तो ये है जो आपके यहाँ जो पैदा हो रहा है वही है। आपने ब्रीड के ऊपर भी बोली है कि भाई सबसे पहले आपके जो लोकल में काम ब्रीड है उस पर अगर काम करेंगे तो आपको सीखने मिल जाएगा, सीखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप सीखे हुए हैं तो आप किसी भी बकरी पे फिर काम कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और मेरा तो क्या, मेरे में जैसे ये सहूलियत ये रही कि जैसे एक तो इस पेशे से जुड़े हुए हैं और दूसरा थोड़ा जनरल जानकारी भी अच्छी थी, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा प्रयास किया है सेटअप का सिरोही के ऊपर। सिरोही पे, हाँ अभी सिरोही में ये अजमेरा जो पैटर्न है उसी का है ये मेरे पास ब्रीडर। बहुत अच्छा। और अजमेरा जो पैटर्न है उसमें पूरे करता है ये मानक। बहुत बढ़िया ब्रीडर, और बकरियां भी अच्छी हैं, आपने मेंटेन भी अच्छे तरीके से ही किया है इनको। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ हमारे जो खेतों में मिल जाता है वही खिला देते हैं। जो ज़्यादा खर्चा आप इन पे नहीं करते, जैसे फीड में देख रहे हैं ना आप, जैसे पूछ रहे थे, तो इसमें जो फीड में जो मिला है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें हरी पत्ती है और एक गुआर का चारा है और एक बाजरे का चारा है और एक मूँगफली का चारा भी है इसमें, सब मिक्स करके मिक्स करके खिलाते हैं। अच्छा, क्योंकि जनरली यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि मूंगफली के साथ ग्वार का चारा ज़्यादा दिनों तक खिलाते हैं, वो भी गर्मियों में नहीं खिलाते, ग्वार का थोड़ा सा गर्म होता है ऐसा बोला। हाँ, गर्मियों नहीं है, जैसे अगर कुछ मात्रा में आप दे रहे हैं तो वो वहाँ प्रॉब्लम नहीं करेगा। बाकी आप पूरा ही वही खिला रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा इश्यू ये है कि हाँ, जैसे गेहूं का भूसा है या आपके पास चने का भूसा है या कुछ भी, आप थोड़ा सा मिक्स करके मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा सा वो जो भी फलीदार फसल होगी ना तो उसके जो उसका जो चारा आएगा उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। आपके यहाँ पर इस बेल्ट पे जैसे आप स्टॉल फीड पर रख रहे हैं तो मुझे खर्चे के बारे में थोड़ा सा बताइए, पर गोट के हिसाब से क्या खर्चा बैठता होगा आपका? पर गोट्स के हिसाब से जैसे थोड़ा एवरेज अगर आप खर्चे की बात करें तो मेरा ये मानना है पर बकरी करीबन 600-700 रुपए में पल जाती है। आपकी बकरी? हाँ, 600-700 रुपए तो बहुत है सर। बस यही है, है ना, 20 रुपए दिन का अपन मान के चलें। हाँ, उसमें उसका थोड़ा बहुत फीड भी आ गया और थोड़ा बहुत ये आ गया दाना। हाँ, दाने के रूप में आप ज्यादा उसे देते नहीं, जो खेतों में उगता है उस हिसाब से वही काम में लेते हैं। दाने में जैसे मैं मेनली कार्बोहाइड्रेट ही देता हूँ अभी। सही है, सही है। मेरा ये मानना है कि ये रूमिनेंट से ये चीज़ें बना लेता है अपने रूमन में, अगर कार्बोहाइड्रेट इसको मिल गया ना तो ये निकाल लेगा अपना टाइम जी। तो मैं जुड़ा रहूँगा सर के साथ और जानकारी सर से लेता रहूँगा,
अब सर जानकार हैं तो इनको थोड़ा सा परेशान करेंगे अपन जानकारी के लिए ही। परेशानी तो क्या है इससे थोड़ा सा क्या हमारे जो नए दर्शक हैं उनको मार्गदर्शन मिलता रहे। ज्ञान है, ज्ञान जैसे बड़े बुजुर्ग कह के गए, ज्ञान है बांटने से बढ़ता है। तो इनके वीडियोस लगातार आएंगे अभी, और कुछ हम एक स्पेशल सीरीज ही लेकर आ रहे हैं जिसमें हम 20 ऐसे वीडियो का चयन किया है, और उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, परंतु 20 ऐसे वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं और बकरी पालन में आ रहे हैं। अगर वो वीडियोस देखते हैं तो आँखें खोलने वाले वीडियोस हैं। उनमें जो डाउट रहता है कि हमें काम कैसे करना चाहिए या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर पूरी जानकारी हमने दी है उन वीडियोस में। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेलिस्ट बना सकें ताकि जो हमारे नए किसान हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।